इंडिया महागठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। संयोजक और लोगों आज जारी हो सकता है, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। 29 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो मुंबई में इंडिया महागठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन, आज इस बैठक में संयोजक तय हो सकता है, संयोजक का नाम तय हो सकता है, कौन इस महागठबंधन को लीड करेगा इस पर फैसला लिया जा सकता है और साथ ही साथ महागठबंधन का लोगो भी जारी हो सकता है। आइए चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, आज क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं महागठबंधन की बैठक में? देखिए, बिल्कुल, मुंबई में इस इंडिया महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम विपक्षी दल के बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। और जिस तरह के कयास लग रहे थे कि आज इस बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी हो सकता है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोगों पे एक सहमति नहीं बनी है, तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आज लोगो जारी होगा या नहीं। लेकिन बाकी जो अन्य विषय हैं उस पर चर्चा चल रही है और बहुत से बिंदु हैं जिस पर इस गठबंधन को चर्चा करनी है। खास तौर पे एक सीट एक पार्टी, ये एक बड़ा पॉइंट है। साथ ही साथ सीटों का आवंटन किस तरह से होगा वो भी चर्चा, और क्या सभी पॉलिसी क्या रहेगी, क्या अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अलग पॉलिसी होगी, तो ये तमाम चर्चाएं इस बैठक में। और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि अमूमन हमने देखा है कि इससे पहले जब पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, तो बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारी बातों का साझा किया गया मीडिया से। और संभावना है कि आज भी जब ये बैठक संपन्न होगी तो उसके बाद करीब 3:30 बजे एक बैठक होगी कि और उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या फैसले इस बैठक में, जो कि इंडिया महागठबंधन की हुई है, इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं। और सीट शेयरिंग से लेकर एक सीट एक पार्टी लोगों को लेकर, हालांकि अभी ये फिलहाल कहा जा रहा है कि सहमति नहीं बनी है, तो क्या लोगो आज जारी होगा नहीं, ये भी एक सवाल है। तो तमाम विषयों पे चर्चा चल रही है यहाँ पे, और तमाम विपक्षी दलों के राजनीतिक दल जो इस इंडिया गठबंधन में हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। विनय, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आज कमेटी का जो कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो क्या, क्योंकि तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हैं, साथ में हैं तमाम बड़े नेता, तो क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, कोई दो राय नहीं है कि आज ही वन देश वन चुनाव को लेकर कमेटी गठन की गई है, और ये एक चुनावों के लिहाज से और देश के हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी तो इस पर चर्चा स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अचानक एक देश एक चुनाव की क्या जरूरत है, जबकि देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे अन्य अहम मुद्दे हैं, तो लाजमी है कि इस पर भी चर्चा होगी देश इंडिया महागठबंधन की जो बैठक हो रही है। और जो आने वाली इंडिया महागठबंधन की नीतियाँ हैं, पॉलिसी है, वो इस एक देश एक चुनाव की योजना और इसके तहत होने वाले चुनाव अगर होते हैं तो उसके जरिए उसके तहत भी अब इंडिया महागठबंधन अपनी नीति बनाएगा। और जब शाम को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बैठक के बाद, तो उसमें लाजमी है कि इस एक देश एक चुनाव की पॉलिसी पर इंडिया महागठबंधन क्या सोचता है उस पर भी बात रखी जाएगी। तो लाजमी है कि जब बैठक हो रही है और बैठक से पहले ही एक देश एक चुनाव के लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसका ऐलान किया गया है, तो उस पर भी स्वाभाविक है कि इस बैठक में चर्चा होगी। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनय इस जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए।